होप यू वेल मैं हूँ लोगों का उस पुनीत और आज की वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट लेंस अगर आप बजट के अंदर देख रहे हैं तो ये है सोनी का फिफ्टी फाइव एम एम एफ में आने वाला लेंस और ये बहुत ही अंडर है बिकॉज बहुत लोगों को इस लेंस के बारे में पता नहीं है बट ये एक बहुत प्यारा लेंस है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग वीडियोस इन टर्म्स ऑफ शूटिंग फोटो उसके पीछे रीज़न ये क्योंकि ये जो लेंस है ये सोनी और साथ साथ में जाइज बैचिंग के साथ में आता है और जाइज़ बैचिंग का मतलब ये कि जो है टी सर्टिफाइड रेटिंग के अंदर आता है ये बनाया जाता है और सेल किया जाता है सोनी की ही तरफ से सोनी ही इस लेंस को बनाती है मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सेल करती है बट जो टी का मतलब ये होता है कि इन लेंसेज के ऊपर जो है वो जाइस की टी कोटिंग होती है जिसकी वजह से जो फ्लेयर्स और जो ओवरऑल कलर्स हैं वो बहुत अच्छे बन के मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटो और वीडियो आप इसे शूट करते हैं पूरा मेटल बिल्ड का है ये पूरा का पूरा लिटरली पूरा आप देख सकते हो पूरा मेटल बिल्ड है ऊपर फोकस के लिए आपको जो है है वो रिंग मिल जाती फ्रंट जो थ्रेड है वो फोर्टी नाइन एम एम का है, इसी वजह से काफी लाइट है पीछे भी इसमें वेदर सीलिंग दे रखी है तो अगर आप थोड़ा बहुत मॉइस्चर पानी वानी आ रहा है तो उससे भी ये बचा के रखेगा आपको ठीक है और सबसे अच्छी बात ये इट्स 55 एम लेंस फिफ्टी एक बहुत अच्छी फोकल लेंथ है टू शूट पोर्ट्रेट्स टू शूट वीडियो टू शूट एनीथिंग अगर आप स्पेशली सिनेमैटिक वीडियो करते हो तो ये तो आपका सॉल्ट हो जाएगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड इसे एमआरपी सेलिंग इसकी मार्केट में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी बट बाई दिप्शन में डाल रहा हूं अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसकी प्राइजिंग एमेजॉन की वेबसाइट पर देख सकते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट फीचर्स के साथ साथ में हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये इसका जो एम टी एफ ग्राफ है वो थर्टी पेयर ऑफ लाइन रिकॉर्ड कर सकता है एट ब्लेड ऑफ अपर्चर इसमें देखने को मिलता है तो काफी शार्प इमेजेस मिलती है हमें काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ फोटोज में हमें देखने को मिलती है के भी बहुत प्रॉम बनाता है फोकसिंग इसकी बहुत अच्छी है कंटिन्यू सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकता है डोंट वरी अबाउट फोकसिंग आई ऑटो फोकस टच ट्रैकिंग सब सपोर्ट करता है इसके साथ साथ में इन टर्म्स ऑफ फोटो इन टर्म्स ऑफ विडियोज इसके रिजल्ट बहुत कमाल के हैं मैं बड़ा खुश हुआ इसके रिजल्ट्स को देख करके कुछ लोग इस लेंस को शायद यूज़ भी कर रहे होंगे जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो मुझे बताओ कि आप इस लेंस से खुश हो या नहीं एक और अच्छी चीज़ इस लेंस की है ये क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट है अब देखिए मैंने इसको अभी मेरे कैमरे पर माउंट कर दिया और कैमरे पर माउंट करने के बाद में इसका आप साइज देखो ठीक है ये मेरी बॉडी है ठीक है एफ मेरे पास है यहाँ पे हाथ में और ये मेरा लेंस लगा हुआ है ठीक है आप देखो वेट एंड साइज कितना कम है आप इसको इजिली गिम्बल पे लगा सकते हो और गिम्बल पे छोटे से छोटा हल्का सा हल्का गिम्बल जैसे जियून का डीजे आर एस थ्री मिनी है तो उन सब पे ये आसानी से बैलेंस हो जाता है बहुत अच्छे से बैलेंस होता है इजी टू यूज है जैसे अभी एफ एक्स थर्टी की बॉडी जो है उसका वेट है अराउंड सिक्स हंड्रेड ग्राम्स टू हंड्रेड ग्राम्स का लेंस लगा दिया मैंने तो लगभग आठ सौ नौ सौ ग्राम के आसपास इन दोनों का ओवरऑल वेट हो गया तो अगर आठ सौ नौ सौ ग्राम में आपको एक सब कुछ सेटअप अच्छा सेटअप अच्छा सेट अच्छा मिल रहा है जिसकी फोटो वीडियो में बहुत अच्छे रिजल्ट है तो मैं तो ऑफकोर्स इस लेंस को जरूर रिकमेंड करूंगा लिंक आपको जो बायो में ऑफकोर्स मैंने दे रखे तो आप जाके देखना आपको पसंद आता है तो आप ले लेना देखो मेरी तरफ से तो सबसे बेस्ट अफोर्डेबल फिफ्टी फाइव लेंस है देखो 50 लोगे पांच एम एम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा फुल फ्रेम के लिए बना हुआ बाय द वे इट्स नॉट फॉर एपीएससी बट इट विल गिव यू रियली गुड क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोज़ फॉर योर प्रोडक्शन पर्पजेस तो मैं ये रिकमेंड करूँगा फॉर श्योर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज स्टेट यू एंड कीप शूटिंग